पार्ट आ गया अपने पास, क्या है करंट सोर्स यानी धारा स्रोत। अब इसके भी अपने पास दो पार्ट हैं, आइडियल और रियल करंट सोर्स। अब आइडियल करंट सोर्स की अपन बात करें, यानी इसकी कल्प, आइडियल का मतलब देखो कहते हैं क्या, वो कल्पना मात्र का है, यानी इसका कोई ऐसा रियल माध्यम आपको कहीं मिलेगा नहीं कि आइडियल करंट सोर्स आपके पास मिल जाए, क्योंकि इसकी इंटरनल इंपीडेंस क्या है आपके पास, इन्फिनिटिव। और देखो आई और जेड एल, यानी जेड एल क्या दिया हुआ आपके पास, लोड इंपीडेंस है आपके पास, है लोड प्रतिबाधा है। तो देखो आपके पास आपने ग्राफ बनाया, यानी जेड एल का वैल्यू आपने बढ़ाई, इधर जेड एल की वैल्यू जैसे जैसे आपने बढ़ाई, लेकिन आई एल की वैल्यू तो फिर भी आपके पास क्या प्राप्त हो रही है, कांस्टेंट। यानी जेड एल की प्रत्येक वैल्यू के लिए आई एल का मान क्या मिलेगा इसमें, कांस्टेंट। और इसके बाद में देखो अपन इसका सर्किट देखना चाहिए, तो देखो वी इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला अगर यहाँ पे अपन लगाना चाहिए, वी इक्वल टू आई आर, तो देखो ये आपके पास क्या है, आइडियल करंट सोर्स है। तो देखो ये तो आपके पास आइडियल धारा और ये लोड प्रतिरोध, तो इसमें देखो कोई चेंजेज नहीं होगा। इसी प्रकार आपके पास ये हो गया, इसकी इंटरनल इंपीडेंस आपके पास नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखो इसमें जेड एस विद्यमान होता है, क्या होता है इसमें जेड एस, तो जेड एस में चेंज करने के बाद में आपके पास जेड एस इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन करने के बाद में आपके पास आई और वी का जो ग्राफ होता है वो लीनियर प्राप्त यानी कॉन्स्टेंट प्राप्त नहीं होगा, और उसमें कुछ चेंजेज प्राप्त होते हैं, तो वो चेंजेज करने के लिए अपने पास ये वाली वैल्यू प्राप्त हुई है। तो अब अपन इसके बाद में आगे बात करें, तो देखो आगे क्या करेंगे अपन, इसमें देखो आपको कहा जाता है देखो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करो और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज करो। तो आगे अपन करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स को एक दूसरे में एक बार कन्वर्ट करना देखते हैं।